सी बेटा एक्सरसाइज 4C फॉर्मूलाज मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ. सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए पी इट इज एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी. इफ डी इज नॉट गिवन देन एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एन. तो स्टार्टिंग के तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है आपके पास. 11C में सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एड ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन अप टू 100. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका सारे ऑड नंबर्स को ऐड करना है 100 तक. तो सबसे पहले तो हम देखें कि ऑड नंबर्स हैं कितने. नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता तो हम ऐड कैसे कर सकते हैं. तो ऑड नंबर्स अप टू 100 क्या क्या होंगे. 1, 3, 5, 7 अप टू सो ऑन लास्ट इज 99. पर ये कितने ऑड नंबर्स होंगे हमको नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता यहाँ. तो सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए आपको एनथ टर्म का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. यू हैव ए यू हैव डी बट नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है. तो नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है लेकिन लास्ट टर्म ज़रूर है. ऑल्सो ए एन बोलो या लास्ट टर्म बोलो वो आपके पास है 99. तो पहले ए एन या लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगा के हम पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेंगे. ए एन आपका 99 है, ए आपका 1 है, एन निकालना है हमको और डी 2 है. 1 यहाँ माइनस किया तो 98 इक्वल्स टू एन माइनस 1 अपॉन 2. 2 से डिवाइड किया तो 49 इक्वल्स टू एन माइनस 1. तो एन आपका आ गया 50. तो अब आपको n मिल गया तो सम निकाल सकते हैं हम. तो s 50 का फॉर्मूला लगा लें. 50 बाई 2 टू ए ए आपका कितना है 1 प्लस n माइनस 1 डी. तो 50 माइनस 1 और d आपका है डी आपका 2. तो इट इज़ 25 इंटू 2 प्लस 49 इंटू 2 डेट इज़ 98. सो इट इज़ 25 इंटू 2 50 प्लस. अच्छा ये ज़्यादा दिक्कत दे होगा, कोई बात नहीं कर लेते हैं. 4 2 8 4 4 16 2 बचा 50. सो इट इज़ 2500. ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सिंपल था. नव सी इसके बाद एट्थ क्वेश्चन बता रही हूँ क्योंकि सब में आपको सम ही निकालना है. सम निकालना आपको आ जाना चाहिए. एट्थ में भी सम ही निकालना है पर फिर भी मैं आपको बता रही हूँ ऐड करना है आपको. एट्थ क्वेश्चन है आपका ऐड करना है एन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एन प्लस एन प्लस एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन प्लस अप टू 20 टर्म्स तक. तो इसमें आपको लिखा नहीं है ए पी है जी पी है क्योंकि अभी नेक्स्ट चैप्टर जब आप पढ़ लेंगे तो वो जी पी होगा. तो हमें खुद चेक करना पड़ेगा ये ए पी है या नहीं. तो फिलहाल तो आपको ये पता है कि ए पी का चैप्टर है तो ए पी होगा. नहीं तो आपको ये पहले चेक करना पड़ता है कि पहले तो सीरीज़ कौन सी है. चेक कैसे करते हैं, बाद वाले टर्म को पहले वाले में से माइनस कर दो, यानी सक्सीडिंग टर्म को उसके प्रीवियस टर्म से माइनस कर दो. इसको इसमें से माइनस करो और इसको इसमें से माइनस करो. वी कैन से डेट ए थ्री माइनस ए टू करो, ए फोर माइनस ए थ्री करो या ए टू माइनस ए वन करो. ये सब टर्म्स ये सारी वैल्यूज सेम आनी चाहिए, उसी को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास. फर्स्ट टर्म है आपका एन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एन और कॉमन डिफरेंस है आपका एन माइनस एन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एन. एलसीएम लेके सॉल्व करें. सो इट इज़ एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन. सो इट इज़ माइनस 1 अपॉन एन. ये कॉमन डिफरेंस आ गया आपके पास. अब आपको फाइंड क्या करना है, अप टू 20 टर्म्स यानी ए 20 फाइंड करना है, सॉरी एस 20 फाइंड करना है. एस 20 आपका हो जाएगा ए प्लस 19 डी. ए आपका है एन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एन और 19 डी आपके पास है माइनस 1 अपॉन एन. सॉल्व कर लीजिए इसको. एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 19 अपॉन एन. सो इट इज़ एन स्क्वायर माइनस 18 अपॉन एन. ये आपका आ गया एस 20. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 इसी एक्सरसाइज का क्या है बेटा. 10 है आपका हाउ मेनी टर्म्स ऑफ 20 प्लस 16 प्लस 12 अप टू सो ऑन शुड बी एडेड टू गेट सम 48. आपको सम 48 दे रखा है और आपको बताना है कितने टर्म्स का सम ये 48 होगा. एक्सप्लेन द रीज़न ऑफ डबल आंसर. और इस n की दो वैल्यू आएगी, हमको बताना है कि इसके दो आंसर क्यों आ रहे हैं. तो इसको चेक कर लेते हैं. सबसे पहले 20 16 12 तो को फर्स्ट टर्म लिख लीजिए. फर्स्ट टर्म आपका है a इक्वल्स टू 20. कॉमन डिफरेंस लिख लीजिए. कॉमन डिफरेंस आपका d इक्वल्स टू है 16 माइनस 20 दैट इज़ माइनस 4. अब हमको सम दे रखा है यानी sn गिवन है.
सम ऑफ एन टर्म्स गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं पता कितने टर्म्स का है, एस एन आपको 48 गिवन है और नंबर ऑफ टर्म्स हमको फाइंड करनी है यानी एन फाइंड करना है। कैसे करें बेटा? तो आपको सबसे पहले एस एन गिवन है तो एस एन का फॉर्मूला लगा लीजिए, उसमें वैल्यू रख दीजिए, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी, वैल्यू रख दीजिए, एस एन आपको 48 है, ए आपके पास है, डी रख दीजिए तो एन की वैल्यू मिल जाएगी, एस एन आपका है 48, एन एन बाय टू, टू इंटू ए क्या है आपके पास 620 प्लस एन माइनस वन एज इट इज और डी आपका माइनस फोर। सिंप्लीफाई करिए बेटा इसको, ये 48 ये 2 को इधर ले जाए, डिवाइड में उधर जाएगा 96 इक्वल्स टू एन 40, इन दोनों का इंटू करें माइनस फोर एन प्लस फोर, तो 96 इक्वल्स टू एन ये आपके पास आ जाएगा 44 माइनस फोर एन, यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं तो 96 इक्वल्स टू एन इंटू 4 कॉमन लिया ये हो जाएगा 11 माइनस एन, 4 कैंसिल कर देते हैं, 4 टू जाइड 4 जा 16, तो 24 इक्वल्स टू 11 एन माइनस एन स्क्वायर, सबको एक तरफ कर दीजिए, वन साइड कर दीजिए, LHS में एन स्क्वायर माइनस 11 एन प्लस 24 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक बनी है, क्वाड्रेटिक को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कीजिए, एन की दो वैल्यूज़ आएंगी, जब भी क्वाड्रेटिक होगी दो वैल्यूज़ ही मिलेंगी आपको वेरिएबल की, तो ये आपका हो गया एन स्क्वायर, 24 के फैक्टर 8 थ्रीज़ा तो 8 एन माइनस 3 एन प्लस 24 इक्वल्स टू 0, एन कॉमन लिया एन माइनस 8, माइनस 3 कॉमन लिया एन माइनस 8 इक्वल्स टू 0, तो एन माइनस 8 एन माइनस 3, तो एन की दो वैल्यूज़ आई 8 और एन इक्वल्स टू 3। इसका मतलब समझिएगा बेटा, इसका मतलब कि आपको जो सम दे रखा है, सम कितना दे रखा था आपको 48, तो तीन टर्म का सम भी 48 है और 9 टर्म का 8 टर्म्स का सम भी 48 है, ऐसे कैसे पॉसिबल है? इसका आपको रीज़न भी बताना है, सिंस 20 प्लस 16 प्लस 12 प्लस अप टू सो ऑन, देखो जरा ये तीन टर्म्स हैं, इन तीन टर्म का सम कितना है आपका 48, जी बिल्कुल तीन टर्म का सम 48 आ गया, अब वो बोल रहा है 8 टर्म्स का भी सम 48 ही है, तो 8 टर्म्स का सम कैसे 48 होगा? देखो जरा ये सीरीज़ कैसी है बेटा, ये सीरीज़ आपकी डिक्रीजिंग सीरीज़ है, डिक्रीजिंग मतलब ये कम होते जा रहे हैं टर्म्स की वैल्यू, पहले 20 थी फिर 16 थी फिर 12 थी, इसके बाद ये क्या बनेगी, ये बनेगी 8, बनेगी 4, फिर ये बनेगा 0, फिर ये बनेगा माइनस 4, फिर ये बनेगा माइनस 8 अप टू सो ऑन, तो आपको ये तीन टर्म्स का सम तो 48 आ गया, अब 8 टर्म्स गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ से यहाँ तक का टर्म भी आपका 48 होगा, क्यों होगा? क्योंकि ये डिक्रीजिंग सीरीज है, तीन टर्म का सम 48 और बचे हुए टर्म्स का सम नेट सम आप देखिए 0 है, ये सब कैंसिल हो जाएंगे तो इन टर्म का सम कितना है 0, तो अब आप 48 में 0 ऐड करेंगे तो 48 ही आएगा ना, तो इसमें लिखेंगे क्या, लिखने का तरीका यही होगा, सीन्स द सीरीज इज इन डिक्रीजिंग वे, द सीरीज इज इन यर, सीरीज इज प्रोग्रेस्ड इन डिक्रीज्ड वे, प्रोग्रेस्ड इन डिक्रीज्ड वे, सो सम ऑफ थ्री टर्म्स इज 48 एंड रिमेनिंग 8 टर्म्स हैज सम 0 एंड हेंस सम ऑफ सॉरी रिमेनिंग 5 टर्म्स हैंस सम ऑफ 8 टर्म्स ऑल्सो बिकम 48। ये आपको समझ आ गया होगा, चाहे तो एक बार फिर बता देती हूँ कि बेटा क्या हुआ कि आपके शुरू के तीन टर्म का सम तो 48 था पर ये डिक्रीजिंग वे में डिक्रीज हो रहा था, इसलिए रिमेनिंग टर्म का सम आपका एक कहीं ना कहीं ये जाके 0 होगा और फिर नेगेटिव टर्म्स हो जाएंगे तो ये सम आपको कहीं ना कहीं जाके 0 मिल जाएगा, तो ये आपके 8 टर्म का सम आपका क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। चलिए देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मैं आपको बता रही हूँ,
14 है शायद, देख लीजिएगा. सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक सीरीज इज 36, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म दे रखा है. देखिए जरा, ये शायद 14 है क्वेश्चन या फिर 14 ही है. क्वेश्चन नंबर 14, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक सीरीज SN आपको दे रखा है 36, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म भी आपको दे रखा है. फर्स्ट टर्म आपको दे रखा है 1 एंड लास्ट टर्म आपको दे रखा है AN. लास्ट टर्म AN और L बोल लो, ये आपको दे रखा है 11. नंबर ऑफ टर्म्स आपको फाइंड करना है N और कॉमन डिफरेंस. नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है. अब देखिए बेटा, आपको सबसे पहले लास्ट टर्म दे रखा है, लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाइए, a प्लस एन माइनस वन डी. लास्ट टर्म आपका 11 है, a आपको दे रखा है 1, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दिए, d भी नहीं दिया, तो ये 1 यहाँ माइनस हो जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू डी आपका हो जाएगा 10. इसको एक इक्वेशन लिख लीजिए. अगेन आपके पास हम सम का फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि आपको सम भी दे रखा है, सम 36 है, तो SN इक्वल्स टू 36. फॉर्मूला लगाइए, n बाय 2 a प्लस एन माइनस वन डी इक्वल्स टू 36. नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं पता, a हमें पता है, n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 10 है, ये हम देख लें फर्स्ट इक्वेशन से. तो अब यहाँ से आपको n मिल जाएगा, n बाय 2 इक्वल्स टू 2 प्लस 10 12, n बाय 2 इंटू 12 इक्वल्स टू 36. ये कट गया, तो 6n इक्वल्स टू 36, n की वैल्यू आ गई आपकी 6. इसको पुट कर दो फर्स्ट में, तो ये आपका आ जाएगा n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू क्या था आपके पास, 10. सो n की वैल्यू रखेंगे तो 6 माइनस 1 5, 5d इक्वल्स टू 10, d आपका आ गया 2. ये हो गया क्वेश्चन.